मेडिकल चौक स्थित माधोबा क्लिनिक पिछले 9 वर्षों से लगातार मरीजों की सेवा कर रहा है। हाल ही में क्लिनिक का सजावटी दायरा पूरा हो चुका है। माधोबा क्लिनिक 10वें वर्ष की ओर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही है। आयुर्वेद का काफी पुराना ज्ञान और आधुनिक मेडिकल के तथ्यों पर माधोबा पूरी तरह से अच्छा काम कर रही है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तकरीबन हर किसी को हृदयघात, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसे रोगों पर मेडिकल से माधोबा क्लिनिक पिछले 9 वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहा है। अब तक सैकड़ों मरीजों ने माधोबा चिकित्सा पर भरोसा रखा है, जिसके चलते डॉक्टर की टीम पूरी तरह से मरीजों को उत्तम सेवा दे रही है। यह क्लिनिक 10वें वर्ष में पदार्पण कर रही है। माधोबा क्लिनिक का शुभारंभ डॉक्टर गुरुदत्ता आमीन, सीएमओ माधोबा मुंबई, डॉक्टर उदय बोधनकर, डॉक्टर सुनीति बोधनकर के साथ डॉक्टर दिवाकर नंदकिशोर पवार, डॉक्टर पल्लवी दिवाकर पवार आदि ने किया। माधोबा क्लिनिक के बारे में डॉक्टर्स की टीमों ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। मेडिकल चौक में 9 साल से 10 साल से माधोबा में सेवा दे रहा है, अभी उसका 10वां साल है, उसकी मैं बधाई देता हूँ। माधोबाग जो पिछले 9-10 सालों से यहाँ पे नागपुर में मेडिकल स्क्वायर में कार्यरत है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रुग्णों की सेवा कर रहा है। माधोबाग का चीफ मेडिकल ऑफिसर के नाते से जब मैं इन क्लिनिक में जो ट्रीट हो चुके हैं उन पेशेंट्स का सारा डेटा जब एनालिसिस करता हूँ, तब ये मुझे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्टेरॉल से और विशेष रूप से हार्ट डिसीज़ से, जिस तरह ब्लॉकेजेस, इन व्याधियों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। डॉक्टर सात्विक पवार जो हमारे मित्र है, उनका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूँ कि वो ये जो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं सोसाइटी को डिसीज़ फ्री बनाने का, हृदय रोग मुक्त भारत बनाने का, ये जो काम वो कर रहे हैं वो इसी तरह से करते रहे। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बेहतर है, यहाँ की पूरी कार्यप्रणाली भी माधोबाग ने दिए हुए मापदंडों पे ही चल रही है। तो मैं इस क्लिनिक को बहुत बधाई देता हूँ और उनके कार्य के लिए शुभेच्छा देता हूँ। जीवन में यदि हमें मजबूत रहना है और हमारा जो शरीर है जिसे हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, अगर उसको मजबूती रखना है तो यकीनन हम हमारे शरीर की जांच करना होगा। इसके लिए शहर में यूँ तो कई ऐसे बाग है जहां पे प्रतिदिन इस प्रकार का कामकाज होता है। इसी श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं माधव बाग में। जी हाँ, माधव बाग एक ये ऐसा अस्पताल है जहाँ पर दूर दराज से कई लोग आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस समय में हमारे साथ में माधोबाग के संचालक डॉक्टर पवार साहब है और डॉक्टर पल्लवी पवार मैम है, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से माधोबाग का जो आयोजन किया गया है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? माधोबाग बेसिकली आयुर्वेद तरीके से हृदय रोग का निवारण करने वाली भारत की और पूरे विश्व में एक में वो संस्था है जहाँ पर मेटाबॉलिक डिसीज को क्योर करने के लिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण थेरेपीज नाम से थेरेपीज अपने यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें बीपी, डायबिटीज, उसके बाद थायराइड, ओबेसिटी, ये सभी का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ये ट्रीटमेंट की वजह से हजारों रुग्णों का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। नमस्ते, डॉक्टर सात्विक नंदक पवार और पल्लवी पवार ने जो ये अभियान लिया है माधोबाग का, उसके लिए हमारे सदिच्छा है। माधोबाग का मेन जो पर्पज है वो बिना शस्त्र किया हार्ट का आप इलाज कैसा करेंगे, यानी जिसमें एंजियोप्लास्टी आती है, बायपास सर्जरी, इनकी इनकी आवश्यकता नहीं होते हुए सिर्फ चेंजिंग लाइफस्टाइल और आयुर्वेद द्वारा और उनके ट्रीटमेंट द्वारा कैसे कर सकते हैं और वो भी अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबल एंड अप्रोचेबल कॉस्ट में कर सकते हैं। तो 3A जो WHO का है उसमें करने का जो प्रयास किया है डॉक्टर पवार साहब ने और पल्लवी ने, उसके लिए हमारी सदिच्छा शुभेच्छा। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर उदय बोधनकर इन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी हो या और फिर इनको टाला जा सकता है बशर्ते हमें इलाज करना होगा, इस समय में डॉक्टर पल्लवी पवार हमारे साथ में हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से आप माधोबाग को संभालने जा रही हो, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं पेशेंट को लेकर? सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करने वाले हैं उन सभी हमारे वरिष्ठ जनों का जिन्होंने हमें यहाँ तक के पहुँचने में हमारी सहायता की, हमें आशीर्वाद दिए, जिनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रही। और मैं अभिनंदन करना चाहूँगी उन रुग्णों का जो रुग्ण थे
और माधवबाग में आने के बाद में जो है अभी वो रुगने नहीं रहे, डायबिटीज़ रिवर्सल हो गया, इस्चिमिया रिवर्सल हो गया, जैसे हृदय रोगों का भी वहाँ से उन्होंने वापसी पाई और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे। तो मैं माधवबाग के पूरे परिवार की तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहूँगी और आशा करूँगी ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यदि हमें कुछ होना है, जिस प्रकार की कोई रोग यदि हमें कुछ होना होता है तो हमें उसका उसके लिए जानकारी लेना पड़ता है और हमने अपने आप में खुद बदलाव सा करना पड़ता है, चाहे से खान पान हो, कई ऐसे तमाम चीज़ें उसके ऊपर में हमें रहना होगा। जब तक हम हमारे शरीर के तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक या हम तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो बशर्ते हमारा देश भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि हमारा देश तंदुरुस्त रहे तो देश का हर नागरिक आज बलवान और तंदुरुस्त रहने की बेहद ज़रूरत है। नागपुर के माधोबाग से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।